Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. This is Khushbu Singh and I hope you all are doing well. आज की जो वीडियो है वो उन लोगों की रिक्वेस्ट पे है जिनके साथ हमेशा प्लेट्स बनाने में दिक्कत होती रहती है और कभी भी सामने के प्लेट्स उनके ठीक से नहीं बन पाते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लाइक के बटन को आप हिट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साड़ी की लेंथ की। अगर मान लीजिए 5.5 मीटर की साड़ी आपके लिए सफिशियंट नहीं है, तो अगर इस टाइप की आपकी ब्लाउज पीस ऐड हुई रहती है साड़ी में, तो आप उसको कट करके मत निकालिए, आप इसको भी अपनी ड्रेपिंग में ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ अपनी लेंथ देख ली है और फिर मैं ये एक बेसिक राउंड टक कर रही हूँ। तो नीचे की तरफ जब आप साड़ी देखते हो तो देखिए आपको हमेशा अपनी साड़ी की लेंथ ज़मीन से 1 या 2 इंच ऊपर रखनी चाहिए ताकि आप चलने फिरने में कंफर्टेबल रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि साड़ी की किनारी जो है वो मेरी पीछे साइड से मुड़ी हुई है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने इस साड़ी में फॉल नहीं लगाया है, लेकिन ये साड़ी मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए पहन रही हूँ, तो इसलिए मैंने बिना फॉल लगी हुई साड़ी पहन लिया है। बट आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो प्लीज़ आप बिना फॉल वाली साड़ी ना पहने, क्योंकि इससे आपकी साड़ी की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। साड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इसलिए आप बिना फॉल वाली साड़ी बिल्कुल भी पहनकर कहीं बाहर मत जाइए। जब आपकी एक बेसिक राउंड कंप्लीट हो जाती है तो आप अपनी पल्लू की इस तरीके से रफली अरेंज कर सकते हो और इसको घुमाते हुए आप अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिल्क की फैब्रिक में अगर आप अपनी पल्लू की लेंथ ज़्यादा रखते हो तो ट्रस्ट में आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। बहुत सिल्क की साड़ियों में लंबी पल्लू कभी भी आपकी हाइट को दबने नहीं देती है और एक बहुत रिच लुक लेकर आती है। अब इसके बाद आपको अपनी कमर के पास फैब्रिक लेकर आना है। और देखिए इस टाइप की जो साड़ी होती है ना, ये ऐसे इसकी जो फैब्रिक है वो बैलेटन सिल्क है, तो इस टाइप की साड़ी में अगर हम कोई दूसरा ट्रिक यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि आपकी फैब्रिक ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और किनारे से इसकी लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए आप इस टाइप की साड़ी में आप अपने बॉर्डर को कमर के पास लाकर अपनी लेफ्ट हैंड से ऐसे दबाइए और दूसरे हाथ से आप नीचे की फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे गैदर करना शुरू कीजिए। ये जो आप प्लेट बनाते हो इसको आप अपने दूसरे हैंड से ऐसे दबाते हुए चलिए, और ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 4 प्लेट आप यहाँ पे बना सकते हो ऐसी छोटी छोटी। ये प्लेट क्या होगी कि आपकी कमर पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी और नीचे से आपकी जो साड़ी की लेंथ है वो भी कम नहीं होगी। तो इन सभी प्लेट्स को साथ में लेते हुए आप यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। तो ये प्लेट बनाते ही आपको दिख जाएगी कि आपकी जो कमर वाली पोर्शन है वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो अब जो बची हुई फैब्रिक है हम इनको प्लेट्स में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी राइट साइड से अपनी बेली बटन तक हम थोड़ी सी फैब्रिक मेज़र करते हुए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम इनको इसी तरीके से मेज़र करेंगे। ये जो हमने बेसिक टक जहाँ पे एंड किया था, इस बेसिक टक को हम इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम अपनी बेली बटन तक जाएंगे और इतनी फैब्रिक हम छोड़ देते हैं। ये इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारी जो पहली वाली प्लेट है वो अच्छी तरीके से हमारी लेफ़्ट साइड पे घूमी हुई रहे। देखिए अगर मान लीजिए आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आपकी सामने वाली प्लेट हमेशा फुली हुई रहती है, आप कितना भी कोशिश कर लें वो कभी भी फ्लैट नहीं होती है और हमेशा बाहर की तरफ निकली हुई फुली हुई रहती है, तो देखिए आपको क्या करना है। आपको अपने राइट हैंड के जो अंगूठा वाला उंगली होता है उस अंगूठे वाली उंगली से ऐसे फैब्रिक को थोड़ा सा खींचना है, दूसरे हैंड से फैब्रिक को भी आपको पकड़ना है और अंगूठा और बची हुई आपकी दो उंगलियां मिलेंगी आपके इस पीछे वाले हिस्से से, और फिर से अंगूठे को आपको ऐसे दबाना है और दो उंगलियों से आपको इसको ऐसे पकड़ते हुए चलना है। देखिए उसके बाद आप अगर एक प्लेट वैसे बना लेते हो ना तो आपके लिए बाकी प्लेट्स अरेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, और इसी तरीके से आपको पूरे प्लेट्स अरेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपको प्लेट्स थोड़े से चौड़े रखने हैं। फैब्रिक अगर आपकी इस टाइप की है
तो आप और भी चौड़ा प्लेट्स यहाँ पे बना सकते हो। अब ये जो राइट वाली मेरी फर्स्ट प्लेट थी, इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर, और जो हमने मेज़र किया था अपने बेली बटन तक फैब्रिक, उस फैब्रिक को हमें अपने फर्स्ट प्लेट में ऐड कर देना है। तो इससे जो हमारी फर्स्ट प्लेट होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। देखिए अभी हमें ना अपने प्लेट्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, केवल हमने जैसे प्लेट्स अरेंज किए हैं उनको हमें एक एक सेंटीमीटर की गैप में पकड़ना है। और ये देखिए हम इन प्लेट्स को झुक कर नहीं सेट करेंगे, बल्कि जो भी है वो हमारे हाथों में ही है। तो ये जो हमारी प्लेट की पीछे वाली फैब्रिक है, अगर हम इस फैब्रिक को एक बराबर में खींचते हुए पकड़ लेते हैं तो कभी भी आपको सिल्क की साड़ी में प्लेट्स को झुक कर बैठाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप बैठते हुए चले जाते हैं। अब इन सभी प्लेट्स को लेकर हम अपनी बेली बटन के पास ऐसे टक कर देंगे। इसके बाद अब हम अपने कंधे वाली जो प्लेट बनती है उसकी फैब्रिक पकड़ लेंगे और यहाँ से हम अपनी लेफ्ट साइड से प्लेट्स अरेंज करना शुरू करेंगे। देखिए ये जो सामने वाला जो कपड़ा का साइड है उसको मैंने आपकी तरफ रखा है और फैब्रिक का जो उल्टा साइड है वो मेरी तरफ है। तो इस तरीके से जो मेरी लेफ्ट हैंड पे आई हुई बॉर्डर है मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी प्लेट्स बनाना। और देखिए इस तरीके से मैं अपनी लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करती हूँ फैब्रिक को जिगजैग मूव करने में, और अपनी राइट हैंड से मैं फैब्रिक को दबाते हुए चलती हूँ। तो जब आपकी पूरी फैब्रिक प्लेट्स में एक बार अच्छे से बैठ जाती हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि आपकी जो आगे वाली प्लेट है वो प्लेट आपकी हर पीछे वाली प्लेट से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहे। अगर नहीं रहती है तो आप प्लेट्स बनाने के बाद भी उसको चौड़ी कर सकते हो। और अब यहाँ पे मैं वन बाय वन इनको इसी तरीके से अरेंज करना शुरू करूँगी। अगर मान लीजिए कोई प्लेट आपको नहीं दिख रही है कि कहाँ पे आपको पकड़ना है, तो एक बार आप अपनी फैब्रिक को ऐसे झटका दे सकते हो। झटका देने से आपको प्लेट की जो क्रीज लाइन है वो अच्छे से दिख जाती है और फिर ये आपको पता चल जाता है कि आपको अगली प्लेट कहाँ पर पकड़नी है। तो इसी तरीके से करते हुए जब आपकी पूरी पल्लू की प्लेट अच्छे से अरेंज हो जाती है तो आप कमर के पास से इनको टाइट करते हुए अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर तक लेकर जाएं। और यहाँ पे बॉर्डर हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे ये मुड़ जाए, बट आपको इनको अच्छे से सेट कर लेना है। और अपनी ब्लाउज़ की बिल्कुल एज पे इस तरीके से नहीं रखना है आपको, आपको अपनी ब्लाउज़ की एज से थोड़ा सा आपको अपनी शोल्डर के बीच में रखना है। और फिर यहाँ पे आपको अपनी पिन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लगाना है। लास्ट में आपको क्या करना है कि कमर वाली फैब्रिक को और सामने वाले प्लेट को एक जगह पर ऐसे लाते हुए अंदर की साइड से एक सेफ्टी पिन यूज़ करना है। ये सेफ्टी पिन अगर आप घर के लिए साड़ी पहन रहे हो तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, बट अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो आप काफ़ी लंबे समय के लिए और आपको साड़ी पहनना है, तो ये वाली पिन आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके सामने वाले प्लेट्स जो रहें वो खुल जाए। तो इसीलिए अगर आप पहली बार साड़ी पहन रहे हो, आप किसी लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हो, तो आप ये वाली पिन ज़रूर लगाएं। और अब इसके बाद आपका जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए बैलेटन सिल्क थोड़ी सी मुश्किल होती है, मैं भी मानती हूँ अकेले इस साड़ी को पहनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे बताए हुए ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में आप अकेले ही ये साड़ी पहन सकते हो। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।